नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल न्यू अकेडमी ऑफिशियल में। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं एक वीडियो के माध्यम से यूपी ट्रिपल एससी DHO और STA की जो पोस्ट आई हुई है, उसमें और भी जो पद हैं उन सारे पदों के बारे में हम देखेंगे A to Z जानकारी। मतलब आपके जो छोटे से छोटे क्वेरीज हैं, आप लोगों ने जो पूछा हुआ है क्वेरी में अपने कि सर हम BSc एग्रीकल्चर किए हुए हैं, किस किस पोस्ट के लिए अप्लाई किए, तमाम प्रश्न ऐसे आए हुए हैं आप लोगों को, तो इसलिए इस वीडियो को बनाना पड़ रहा है। नहीं तो इससे रिलेटेड एक वीडियो STA से रिलेटेड बताया जा चुका है आप लोगों को कि इसमें क्या क्या चीज़ें डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं क्या। फिर भी बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन था, बहुत सारे लोगों को जो है ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाया जा रहा है। जो लोग इसके बारे में A to Z जानते हैं वो लोग वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। तो आइए हम लोग जो है देखते हैं कि क्या क्या प्रश्न आप लोगों के हैं, फिर उस आधार पे हम लोग चीज़ों को देखेंगे। तो आप लोगों को जो है जो दिक्कतें आ रही हैं, इन्हीं सब चीज़ों में दिक्कतें आ रही हैं कि जो है सर इसमें क्या है कि हमने जो है कुछ लोगों के प्रश्न को उठाया हुआ है, जो आप लोगों के कमेंट्स आए थे कि सर हमने PET नहीं दिया है, क्या DHO का फॉर्म भर सकते हैं, BSc केमिस्ट्री से हैं क्या सर हम STA के लिए एलिजिबल हैं, BSc AG किए हैं या कृषि स्नातक हैं, जिसको उसमें बताया गया है कि किन किन लोगों को कृषि स्नातक माना गया है, कौन कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन है क्या एक से अधिक पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं, और उसमें भी एक प्रश्न है क्या अलग अलग पदों के लिए अलग अलग आवेदन करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है सर MSc AG किए हैं, कितने पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों का है कि कौन से पद में इंटरव्यू होगा, किस पद में नहीं होगा। और सबसे लास्ट प्रश्न है आप लोगों का कि कितना ग्रेड पे सर, किस वहाँ पे ग्रेड पे लिखा है सर, लेकिन किस पद में कितना ग्रेड पे मिलेगा, कौन सी 4600 की है, कौन सी 5400 की है, ये सर कंफर्म नहीं हो पा रहा है। तो ठीक है, आइए हम एक एक जो है चीज़ों को लेके आप लोगों का डाउट दूर करेंगे। तो चलते हैं अब एक एक चीज़ को क्लियर कर। तो हम आ गए हैं इसके जो है नोटिफिकेशन पे, ऑफिशियल पे। तो हमने कट करके इस नोटिफिकेशन को बनाया है जिससे कम समय में आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले आप लोग जो है इम्पोर्टेंट डेट का ध्यान रखिए और जो है फॉर्म को जितना जल्दी हो सके अप्लाई कर दीजिए। इसकी अंतिम तिथि है 10 मई। पहला प्रश्न आप लोगों का जो है उसको लेते हैं कि सर पेट नहीं दिए हैं तो क्या अप्लाई कर सकते हैं। जी बिल्कुल, इसमें पेट की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको बस OTR करना है। OTR करने के बाद ही आप फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, OTR आप लोग कैसे करते हैं वो आप चाहे वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं YouTube से, और हमने भी OTR कहेंगे तो OTR के बारे में हम आपको जानकारी अलग से दे देंगे। ठीक है, तो आपका पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न है सर BSc केमिस्ट्री से किए हैं, क्या हम एलिजिबल हैं। तो देखिए, इसमें जो नोटिफिकेशन आया है इसमें कुल 11 प्रकार के पद दिए हुए हैं, और जो है नीचे आएंगे आप अगर इसमें देखें, केमिस्ट्री वालों के लिए मैं बात कर रहा हूँ स्पेशली BSc केमिस्ट्री पे, फिर एक एक चीज़ों को लेंगे। इसमें आप देख सकते हैं तो आप इसी पद के लिए केवल एलिजिबल हैं। इसमें आप जो है BSc एक विषय में रसायन के साथ अगर आप किए हैं तो आप प्रधानाचार्य राजकीय खाद्य प्रशिक्षण में आप जो है फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आपको जो है प्री परीक्षा आपको जो इसका है एग्रीकल्चर पढ़ के ही देना पड़ेगा, और इसमें रिक्तियों की संख्या एक ही है जो अन्य पिछड़ा वर्ग का है। अगर कोई अन्य पिछड़ा वर्ग से है तो वही फॉर्म भर सकता है। फिर अगला प्रश्न है BSc AG वाले कौन कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक वो बनाया हुआ है और आपको इसमें बता देते हैं कि कौन कौन से पद के लिए आप लोग BSc कृषि स्नातक, BSc के लिए ही नहीं कृषि स्नातक के लिए कौन कौन से पद हैं वो चीज़ आप ध्यान रखिए। कृषि स्नातक में कौन कौन आते हैं तो एक बार हम पुनः बता देते हैं, BSc ऑनर्स जिन्होंने कृषि से किया है, BSc उद्यान वाले, BSc ऑनर्स उद्यान, ठीक है, BSc फॉरेस्ट्री, ठीक, या ऑनर्स फॉरेस्ट्री, BTEC एग्रीकल्चर वाले भी भर सकते हैं, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से जिन्होंने होम साइंस की डिग्री या कम्युनिटी साइंस की डिग्री ली है वो भी इसमें एलिजिबल हैं। तो कौन कौन से पद हैं आपके लिए, ठीक है, तो पद जो है पहला आपका जिला उद्यान अधिकारी,
ठीक, जिला उद्यान अधिकारी इसमें, लेकिन उन्होंने नोटिस में लिखा है केवल BSC AG और BSC एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, बहुत कृषि स्नातक कहीं लिखा नहीं है। तो आप लोग इसमें भी अप्लाई कर दीजिए, लेंगे तो ठीक है क्योंकि प्री सबका एक ही होना है। ठीक है, दूसरे में है खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी, इसमें जो है BSC एग्रीकल्चर तो मांगा है, साथ में जो है एक और योग्यता आपके पास होनी चाहिए जो कि खाद प्रशिक्षण का कुछ योग्यता है। अगर खाद प्रशिक्षण का है तभी आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे BSC एग्रीकल्चर, नहीं तो नहीं भर पाएंगे। तो और लास्ट है कृषि सेवा शाखा विकास शाखा, ठीक है, उत्तर प्रदेश कृषि सेवा विकास शाखा जो कि डेवलपमेंट वाली पोस्ट है। अगर हम मुख्य रूप से देखें तो इसी में जो है BSC एग्रीकल्चर के अलावा जो और लोग हैं केवल इसी में एलिजिबल हैं, इन दोनों में वो लोग एलिजिबल नहीं हो पाएंगे क्योंकि उनके पास जो है अगर इसमें खाद प्रसंस्करण वाले की बात करें तो अलग से उन्होंने खाद प्रसंस्करण का डिप्लोमा या कुछ नहीं किया होगा। और उद्यान अधिकारी में जो है अगर वो लेंगे तो ठीक है, नहीं तो आप दोनों पोस्ट के लिए तो अप्लाई कर ही दीजिए। ठीक है, तो आप कृषि स्नातक वाले समझ गए होंगे, मैं पुनः एक बार बता देता हूँ कि आप इन दोनों पोस्ट में अप्लाई कर दीजिए। अगर खाद प्रसंस्करण डिप्लोमा है तो इसमें भी कर दीजिए, लेकिन इसमें अगर नहीं तो नहीं कर पाएंगे। आते हैं आपको ग्रेड पे कितना मिलेगा, तो 5400 ग्रेड पे है, बहुत अच्छी जॉब है। और ये जो तीनों पद हैं इसमें लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाएगा, तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है एक से अधिक पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आप एक से अधिक पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। उसमें बस आपको फॉर्म भरते समय आपको ऐसे रहेगा टिक करना रहेगा कि सर ये डिग्री हमारे पास है, बाकी आप फॉर्म भर पाएंगे। अब आते हैं MSc वालों के लिए जो है कौन कौन से पद हैं जिन्होंने MSc कर रखा। तो देखिए ये जो पद हैं ये तीनों पद, ठीक, जिसमें BSc वाले एलिजिबल हैं, आप इसमें और इसमें तो एलिजिबल हैं, साथ में अब आपका MSc किस में है, जैसे आपने एग्रोनॉमी से किया है तो आप जो है एग्रोनॉमी वाली पोस्ट जो सस्य शाखा वाली पोस्ट है, आप दो पोस्ट तो हो ही गया, उसके अलावा आप सस्य शाखा 5 नंबर वाले में हो जाएंगे। और जो है शुरू से आते हैं देखते हैं, देखिए मान लीजिए MSc आपने किया है तो आप इसमें हो जाएंगे, ठीक, और आप अपने वाले में हो जाएंगे। मान लीजिए आपने किया है सस्य शाखा तो सस्य शाखा हो गया, दो हो गया आपका, और तीसरा आपका हो जाएगा विकास शाखा, ठीक है, विकास शाखा उत्तर प्रदेश विकास शाखा, और इसके बाद STA वाले में सस्य शाखा में आप हो जाएंगे। तो आपको देखना पड़ेगा आप किस किस में हैं, तो लगभग दो तो उधर हो जाएंगे और दो इधर, ठीक है, 4 पदों के लिए आप हो जाएंगे। फिर आगे नीचे आएंगे तो इसमें भी विकास शाखा है STA वाली, तो उसमें भी आप हो जाएंगे। तो 2 STA वाले में हो जाएंगे आप और 2 आप ऊपर वाले में हो जाएंगे, 2 नहीं 3 वाले में हो जाएंगे, क्योंकि सस्य शाखा भी आपका आएगा, ठीक है, और विकास शाखा भी आएगा, 2 इधर हो जाएगा, फिर आपका वरिष्ठ में भी सस्य शाखा और फिर विकास शाखा, ठीक है, फिर विकास शाखा, तो 4 ये हो गए और उद्यान अधिकारी वाला 5। तो इस प्रकार से आप 5-5 पदों के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, वो लोग जो कि सस्य वनस्पति रसायन और कृषि रक्षा से किए हुए हैं। तो इतना आपको जो है MSc वाले 5 से 6 में हो सकते हैं, क्योंकि 6 वाला जो लास्ट वाला जो हमने सेकंड पे बताया है ये वाला, इसमें देख सकते हैं कृषि विज्ञान में स्नातक तो मांगा है और उसके बाद राजकीय खाद प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान लखनऊ या अन्य से फल एवं साग भाजी में 2 वर्षीय स्नातकोत्तर की उपाधि भी मांगी है। तो ये बहुत कम लोगों के पास होगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ 5 ही मान के चलिए। 2 आपका अगर STA वाले में हो जाएगा, STA वाले में कौन कौन सा, आपका सस्य वाला, डेवलपमेंट वाला और फिर कृषि रक्षा वाले में भी आप आएंगे, सॉरी इधर आएंगे कृषि वाले में, तो उसमें भी आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। एक आपका मान लीजिए विकास शाखा हो गया, एक आपका ये हो गया सस्य शाखा, एक फिर विकास शाखा, ठीक है, विकास शाखा और फिर सस्य शाखा उत्तर प्रदेश वाले में, और एक पहला तो रहेगा ही। तो इस प्रकार आप 5 पदों के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न हम लेते हैं कि किस पद में इंटरव्यू होगा, किस पद में इंटरव्यू नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं ये वाले जो पद हैं 1 नंबर से लेके आपके 7 नंबर तक, ठीक है, 1 नंबर से लेके 7 नंबर तक, इसमें जो है लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार दोनों होगा। और इसका ग्रेड पे जो जिसमें साक्षात्कार होगा उसका ग्रेड पे आपका कितना है, तो उसका ग्रेड पे आपका 5400 है।
भले ये जो है आपका जो है इसमें मांगा गया है कृषि स्नातक ही केवल मांगा गया है, स्नातक कुछ कुछ पद के लिए मांगा गया है, लेकिन फिर भी ये 5400 है। और जो एसटीए वाले पद हैं जिसमें वरिष्ठ लिखा है, ये चारों पद इसमें जो है आपका इंटरव्यू नहीं होगा, केवल मेंस परीक्षा होगी और इसका ग्रेड पे केवल और केवल 4600 है। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो जानकारी देनी थी। और चलिए आपको परीक्षा कैसी है वो तो आप जानते हैं कि आपका प्री मेंस होगा। पहले चरण में आपका 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 40 प्रश्न आपके सामान्य से और 80 प्रश्न आपके कृषि से पूछे जाएंगे। इसके बाद मेंस होगा। तो अब आप लोगों का डाउट होगा, सर मेंस परीक्षा कैसे वो कराएंगे? तो मान लीजिए आप डेवलपमेंट में भी पास हो गए हैं और सस्य शाखा में भी पास हो गए हैं, तो दोनों की परीक्षाएँ अलग अलग दिन होंगी, तो वो चीज़ अलग है। मेंस में आपका 3 पेपर होगा। ठीक है, पहला पेपर आपका जो है प्रथम सत्र में होगा और द्वितीय सत्र में ये होगा आपका कौन सा, पहले सत्र में आपका सामान्य अध्ययन का होगा, दूसरे सत्र में हिंदी एवं निबंध का होगा, और तृतीय प्रश्न होगा जो वैकल्पिक होगा जो आपके सब्जेक्ट से आधारित होंगे। तो हमने आपका अलग अलग जो है सिलेबस भी इसमें बना दिया है। तो आपको अगर ये चाहिए आपको, तो आप जो हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, आपको वहाँ पे ये सिलेबस पूरा मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप अब आप लोगों को कोई डाउट नहीं रह गया होगा। आप लोग जो है आराम से फॉर्म को भर दीजिए, और फिर भी इसके अलावा कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको जवाब दिया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।